आपने कभी अंडा भुर्जी खाया? स्पेशल अंडा भुर्जी कैसा बनता है तुमको आज हम दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो देखना। तो कांदे को टमाटे को बारीक खींच के लेना, बारीक खीमा करना। काटते वक्त हल्लू काटना ध्यान देना, उंगली को ना लगे। तो कचड़ 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 काट के बारीक कांदा करके लेना, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। जितना बारीक कांदा होता है उतना अच्छा खाने को लगता है। बारीक कांदा काट के लेना, उसके बाद पैन लेना। पैन में कांदा टमाटर डाल के चालू करना पैन, गैस चालू करके तेल डाल के दोनों अच्छा मिक्स करके लेना। तेल डालना फिर अच्छा मिक्स करके लेना। अच्छा पकने के बाद इनको अच्छे से हिलाते रहना। उसके बाद आता है अपना मेन काम, अंडा डाल के लेना। एक अंडा डालो, अच्छे से दोनों को पकाना, सब मिक्सर मिक्स करके लेना। ऊपर से नमक डालना, मसाला डालना, घर पर मसाला डालो या चाट मसाला डालो या कुछ भी डालो, आपके घर के फेवरेट मसाले। उसके बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाले तो बहुत स्वाद आता। फिर इन दोनों को सबको मिक्सर को कचा कच कचा कच कचा कच सब मिला के लेना, सब रगड़ा पैटिस करके लेना। जितना हलाएंगे उतना स्वाद वो सब तरफ फैलता, मस्त अंडा भुर्जी तैयार होता है। फिर आप तैयार होने के बाद इसको चपाती के साथ खा सकता है या पाव के साथ भी खा सकता है। बहुत ही अच्छा लगता है अंडा भुर्जी खाने, स्पेशल अंडा भुर्जी है। देखो आप खा सकते, घर पर भी बना सकते, बहुत ही 5 मिनटों के अंदर बनता जी है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों खाने में, बहुत बोले तो बहुत अच्छा लगता है। अभी घर पर ज़रूर ट्राई करना ये। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे आप ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना। दोस्तों हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप उसके बाद में ये प्लेट में लेके घर को जाके आराम से बैठ के खाता हूँ दोस्तों। ये अभी ले लिया मैं पार्सल, घर को जाके आराम से बैठ के खा लेना दोस्तों। बाहर ठहर के खाए तो कोई भी दोस्त वो देख लिया तो आता, फिर उन भी शेयरिंग करने लगता दोस्तों। मुझे शेयरिंग पसंद नहीं दोस्तों, जो होना वो अकेला खा लेना दोस्तों। ओके दोस्तों, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चार्ज रख।